दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। मजबूर महिला ने सीएम के सामने क्यों कही आत्मदाह की बात। करियाना स्टोर दर्जी की दुकान सहित कुल चार कमरे राख। चौपाल में आग की भेंट चढ़ा दो मंजिला मकान। हिमाचल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल करवाने की तैयारी। शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां शुरू। बाबा भूतनाथ को लगा 40 किलो माखन का लेप। तीसरी लहर के बीच पांटा में एक व्यक्ति की मौत। एक्टिव केस हुए 798। और अब खबरें विस्तार से। घर और दुकान का कब्जा हटाए जाने से आहत महिला ने रविवार को बिलखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष अपनी बात रखी। महिला ने रोते हुए जयराम ठाकुर से कहा कि उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह यहीं आत्मदाह कर लेगी। महिला ने कहा कि उसका पहले घर तोड़ा गया और उसके बाद उसे एक झोपड़ी दे दी गई, जहां रखा उसका सारा सामान खराब हो गया है। उसकी दुकान को भी तोड़ दिया गया है जिससे वह अपना रोजगार चला रही थी। इस घटना के बाद अब उसके जीवन में ना तो रोजगार बचा है और ना ही जीने की चाह बची है। अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उसका इंसाफ नहीं करते हैं तो वह यहीं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी और जीवित आज घर को नहीं जाएगी। मेरा पहले घर तोड़ा और यहाँ से दे रखा है, जैसे गाय के उम्र होते हैं पानी सब आ गया, सड़ गए मेरे कपड़े सारे। अब दुकान तोड़ रखी तो मैं रोजी रोटी की रोज की बीटू है। मैं घर से सब जानते 40 साल का कब्जा तोड़ा हुआ मेरा, करो मेरा इंसान नहीं तो मैं यही खत्म हो जाना आज। ये घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। उन्होंने महिला को समझा बुझा कर मना लिया और जल्द ही सरकार की तरफ से कदम उठाने की बात कही। रविवार सुबह अचानक उठी लपटों से चौपाल की ग्राम पंचायत ननहार के तहत बदलावग में दो मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल जलकर पूरी तरह राख हो गई। हालांकि लोगों के प्रयास से निचली मंजिल में राशन का डिपो बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार करियाना स्टोर सहित दर्जी की दुकान सहित कुल चार कमरे आग की भेंट चढ़ गए। आग लगने से लाखों की संपत्ति राख होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें लोगों के सिलाई के कपड़े, कुछ मशीनें सहित अन्य सामान के जलने की सूचना है। हालांकि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर इसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रचंड हो चुकी लपटों के आगे ये प्रयास नाकाफी साबित हुआ। प्रशासन की तरफ से एसडीएम चौपाल चेत सिंह द्वारा पीड़ित परिवार को 5,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हिमाचल प्रदेश की लोक कथाओं और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल की तर्ज पर अब प्रदेश में व्यास फिल्म फेस्टिवल करवाए जाने की तैयारी चल रही है। फिल्मी खेती और मुंडे पहाड़ी प्रोडक्शन के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रहे इस फिल्म फेस्टिवल में दो श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री शामिल है। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री को नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इस फेस्टिवल को बिलासपुर में करवाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में आयोजनकर्ताओं ने बिलासपुर के परिधि गृह में बैठक कर चर्चा की और आगामी कार्य योजना तैयार की। फिल्मी खेती और मुंडे पहाड़ी बैनर के तले ये फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है, जिसका नाम व्यास फिल्म फेस्टिवल रहेगा। और इसका जो मेन जो मकसद रहेगा, जिसके द्वारा बनाई जाएगी, ये मोबाइल पर होगी, जिस पे कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि मोबाइल हम सबके पास रहता है तो कोई भी इस फिल्म को या डॉक्यूमेंट्री को बना सकता है। यह फिल्म फेस्टिवल 16 अप्रैल के लिए हमने रखा है
और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरह से हमारे समाज में, जैसे इनके हमने विषय रखे हैं, जिस तरह समाज में हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनको लेकर हम फिल्में बनाएंगे या उनसे इनवाइट, बच्चों से इनवाइट करेंगे। क्योंकि कोरोना काल में जितना आप देख रहे हैं ये दौर रहा, 2 साल का दौर रहा, इसमें जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिनकी क्रिएटिविटी नहीं उठ पाई है, या हमारे आसपास जो भी चीज़ें दब गई हैं हमारे ग्रामीण परिवेश में, शहरी परिवेश में, जो हमारी हिमाचली संस्कृति है उसको उभारने के लिए हम ये फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, ताकि एक अच्छी शुरुआत हो और हमारे जो कलाकार हैं और निर्माता हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुरातन काल से चली आ रही परंपराओं के अनुसार तारा रात्रि से शिवरात्रि का आगाज माना जाता है और ये तारा रात्रि बीती रात को थी। तारा रात्रि की रात को मंडी शहर के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर के शिवलिंग पर माखन का लेप चढ़ाने की परंपरा रही है। बीती रात इस परंपरा का निर्वहन किया गया। बता दें कि मंडी का शिवरात्रि महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है और इसे हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस बार 1 मार्च को महाशिवरात्रि है, जबकि 2 से 8 मार्च तक 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि इस पर आधिकारिक फैसला होना अभी बाकी है, क्योंकि मेले का आयोजन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ही लिया जाएगा। लेकिन प्रशासन ने यह तय कर लिया है कि यदि मेला नहीं हुआ तो फिर देव परंपराओं का निर्वहन हर हाल में किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच पांवटा साहिब शहर में शनिवार को पहली मौत सामने आई है। हालांकि इस व्यक्ति की भी कोरोना रिपोर्ट मरने के बाद ही पॉजिटिव पाई गई है। जानकारी के अनुसार पांवटा शहर के वार्ड नंबर 13 से एक 68 वर्षीय व्यक्ति कुछ गंभीर बीमारियों के चलते पांवटा अस्पताल में बीते कुछ दिनों से उपचाराधीन था। इसी बीच शनिवार को उपचार के दौरान व्यक्ति ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर इस व्यक्ति का स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्ट लिया, जिसमें वह पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि शनिवार को जिला सिरमौर में कुल नए 150 मामले सामने आए हैं, जिसमें 25 नाहन, 41 पांवटा साहिब, 1-1 राजगढ़ और शिलाई से शामिल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकी की ट्रेवल हिस्ट्री ट्रेस की जा रही है। जिला सिरमौर में अब 798 एक्टिव केस हो गए हैं।